स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि अक्सर हम डिस्कस करते हैं, हमारे जीवन में कई तरह की दशाएं चलती रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दिशाएं जो हैं अशुभ हो जाती हैं, या ऐसा होता है कि हमारे अनुकूल ना हो। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन पहले जानेंगे आज का गुड लक मंत्र। हर मंगलवार को दो पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए और बाद में इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से गंभीर बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी से आप परेशान हो, तो ये उपाय करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार जरूर होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 28 जून 2023 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 28 जून 2023 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र शाम के 4:01 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में जो दशाएं चल रही हैं वो अनुकूल ना हो तो उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो तो खास करके क्या करना चाहिए और इसके पीछे कारण क्या है। हर कुंडली में कुछ ग्रह उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह होते हैं और कुछ ग्रह उस कुंडली के लिए अशुभ होते हैं। जब शुभ ग्रहों की दशा चलती है तो जीवन बड़ा अच्छा, बड़ा सुखद हो जाता है, लेकिन जब कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चलती है तो जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो तो किस तरह की मुश्किलें जीवन में आती हैं और इस अशुभ दशा के प्रभाव से कैसे बचें, आइए जानते हैं। अगर सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में हृदय रोग हो सकता है, कार्डियो प्रॉब्लम, नेत्र के रोग, आंखों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां और अपयश की समस्या, बदनामी की संभावना सूर्य की अशुभ दशा में हो जाती है। अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे, इसके निवारण के लिए भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए सुबह के समय, और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करिए। सुबह जल चढ़ाइए, उसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्रमा की, सूर्य की नकारात्मक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, इस बात को याद रखिए। और सूर्य मंत्र का जप करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि अगर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएंगे, सूर्य का मंत्र पढ़ेंगे, तो चंद्रमा पर भी इसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जो सूर्य है उसकी अशुभ दशा का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, सूर्य की अशुभ दशा हो तो क्या होगा, ये आपने बता दिया। अब बताइए अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तब क्या कारण होंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दुष्ट स्थानों का स्वामी है
चंद्रमा त्रिषडाय का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है और चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो क्या प्रभाव होता है? चंद्रमा की दशा अगर अशुभ हो तो सडन डेथ, अपमृत्यु, हृदय रोग और मन की समस्या, मानसिक बीमारी होने की संभावना बन जाती है अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो। इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें, संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत भी रखें और जितने समय चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है उतने समय भगवान शिव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें, शिव जी का दर्शन पूजन ध्यान करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अगर चंद्रमा की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा से आप चंद्रमा की अशुभ दशा के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी, पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सूर्य और चंद्रमा की अशुभ दशा के बारे में हमने समझा था, अब जानते हैं कि अगर मंगल की अशुभ दशा हो तब क्या होता है। अगर सूर्य की अशुभ दशा हो, चंद्रमा की अशुभ दशा हो तो क्या प्रभाव होता है और उसके प्रभाव से बचे कैसे, ये हमने आपको बता दिया। अब अगर आपकी मंगल की नकारात्मक दशा हो, मंगल अशुभ फल दे रहा हो और उसकी दशा आ जाए तो क्या होता है। मंगल की अशुभ दशा में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और कारावास यानी जेल के योग बनते हैं। मंगल की दशा अगर नकारात्मक हो तो संकल्प लेकर के बैल का दान करना चाहिए, वृषभ का दान, चाहे प्रतीकात्मक रूप से ही करें और निर्धनों को नियमित रूप से भोजन कराएं। साथ ही साथ नियमित रूप से कुमार कार्तिकेय की पूजा करें। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी पूजा नियमित रूप से करें तो मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा। खास तौर से सप्ताह में एक दिन मंगलवार को
आप भगवान कार्तिकेय की पूजा जरूर करिए, उनसे प्रार्थना करिए, मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी पंडित जी, अब ये बताइए कि अगर बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो उसके पीछे कारण क्या होंगे और उसका समाधान भी बताइए। अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो, बुध त्रिषडाय का स्वामी हो, मारक हो, अष्टम भाव का स्वामी हो, पाप प्रभाव में हो के नुकसान पहुंचा सकता हो और बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होता है? बुध की अशुभ दशा में पैसों रुपयों का बहुत नुकसान होता है, आर्थिक रूप से क्षति होती है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही है तो तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करिए। रोज सुबह भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो पक्की तौर से बुध की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक स्थिति अच्छी होती जाएगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई भी सवाल है, मन में किसी भी तरह का प्रश्न है जो आप पंडित जी से साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में मेल के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज के लिए उन्होंने किस दर्शक का सवाल चुना है, बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न सूरज जी ने हमें लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं। 23 जनवरी 1993 का जन्म है, 9:37 प्रातः, जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन आने वाले समय में कैसा रहेगा? मैं अपने पिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय कर रहा हूँ, भविष्य और करियर कैसा रहने वाला है?
सूरज आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें फरवरी 2024 तक दिखाई दे रही हैं, तब तक आप थोड़ी शांति बना करके रखिए। फरवरी 2024 का समय बीतने दीजिए, उसके बाद सफलता की संभावनाएं हैं और वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय का प्रश्न है, आपके लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय बहुत अच्छा है। ये व्यवसाय आप अपने पिता के साथ करते रहें और अगर भविष्य में आप कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन वगैरह के व्यवसाय में भी जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। तो ये तो हुई पहले सवाल की बात, अब जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दूसरे दर्शक हैं पंडित जी जिनका सवाल ले रहे हैं। जी आज का दूसरा प्रश्न श्वेता पटेल जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। 15 जुलाई 1993 का जन्म है, अर्ली मॉर्निंग भोर में लगभग 3 बजे, जन्मस्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और जब मैं जांच करवाती हूँ तो मेरे रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी मैं स्वस्थ नहीं रहती हूँ। श्वेता आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है और उसके ऊपर शनि का प्रभाव है, शुद्ध रूप से आपकी समस्या साइकोलॉजिकल है। पेट में आपके डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो भी समस्या आपको महसूस होती है वो केवल मानसिक है, केवल साइकोलॉजिकल है। अपने मन वाले हिस्से को अगर आप मजबूत कर लें तो आपकी स्वास्थ्य की समस्या में सुधार हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए, किसी भी तरह से नॉनवेज आदि का सेवन मत करिए। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। पंडित जी, मंगल की अशुभ दशा, सूर्य की अशुभ दशा, चंद्र की अशुभ दशा, इन सबके बारे में हमने बात कर ली, लेकिन ये बताइए कि बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो तो उन हालातों में क्या होता है और किस तरह से उसका समाधान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर शनि परेशान करे तो बच जाना आसान है, लेकिन अगर बृहस्पति परेशान करे तो बच पाना बड़ा कठिन होता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली का अशुभ ग्रह हो और बृहस्पति की दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होगा? बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग, जो रोग ठीक नहीं होते ऐसे रोग, बड़ी बीमारियां, खास तौर से लीवर की बीमारियां और कैंसर की प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा बनती है। बृहस्पति की अशुभ दशा के निवारण के लिए किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए, कोई भी मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थान हो, आप वहां पर नियमित रूप से दान करिएगा। और गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करिएगा। गुरु के रूप में अगर भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और बृहस्पति का अशुभ प्रभाव या उसकी दशा का निगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेगा।
तो जरा ध्यान रखिए, अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो जो पंडित जी ने उपाय बताया वो जरूर कीजिए। आप जानते हैं अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो उस मामले में क्या होता है। शुक्र अगर अशुभ परिणाम देने लगे, शुक्र की अगर अशुभ दशा कुंडली में चलने लगे तो इस दशा में अपमान होता है, अपयश मिलता है, आंखों की बीमारियां होती हैं और वैवाहिक जीवन खराब होता है। शुक्र अगर खराब होगा तो आपको भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से समस्या होगी। जब इसकी दशा या अंतरदशा चलेगी तब क्या करना चाहिए? अगर शुक्र की अशुभ दशा चल रही है तो इसके लिए भगवान शिव की पूजा करिए। माता गौरी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए, मतलब शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उस पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, मंत्रों का जप करें, उसकी परिक्रमा करें। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में आपके रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब ये बताइए, शनि की दशा जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि अगर अशुभ चल रही हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शनि के गुस्से से बचना पड़ता है, ऐसे में इन हालातों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और खास करके इसके कारण जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर शनि आपकी कुंडली में दुस्थानों का स्वामी हो, खराब स्थानों का स्वामी हो, मारक हो, नकारात्मक हो और शनि की अशुभ दशा चले तो क्या होता है? शनि की अशुभ दशा में आकस्मिक मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियां चलने की संभावना बनती है। अब अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है तो क्या करेंगे? सोने का यानी गोल्ड का दान करेंगे जितना संभव हो और पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अच्छा होगा। साथ ही साथ शनि की जब अशुभ दशा चले तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करिए सुबह शाम दोनों समय अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है तो। पर जी ये बताइए राहु केतु की अशुभ दशा हो तो उन हालातों में क्या होता है? अगर राहु की या केतु की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो अगर राहु और केतु की बुरी दशा है जिसमें विचित्र बीमारियां परेशान कर रही हैं तो इसके लिए शिव जी के मंदिर में चांदी के सर्प यानी चांदी के सांपों का दान करना चाहिए और राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी पंडित जी, अब जानते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल कैसा रहेगा? मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में रुकावट आ सकती है, धन आपका फंस सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में दो और दर्शकों का सवाल लेने का। बता दें आपको कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का विचार है, कोई समस्या है, किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं और पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं अपने मन में जो आपके सवाल हैं उनके जवाब चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस तो आप ही की स्क्रीन पे है ही। चलिए अब जानते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं, बताइए पंडित जी। जी अगला प्रश्न जयपाल गोहिल जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। ये लिख रहे हैं कि नौकरी तो मुझे अच्छी मिलती है लेकिन नौकरी मेरी टिक नहीं पाती, मेरा पैसा भी बाजार में काफी फंसा हुआ है और मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, कब तक इन समस्याओं से मुझे छुटकारा मिल पाएगा? जयपाल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी की जो बहुत अच्छी स्थिति है वो उम्र के 26 साल में शुरू होती है यानी साल 2025 से। 2025 के अंत से आपका करियर और आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मंगल की खराब स्थिति की वजह से आप कर्जे के शिकार भी हैं और आपका पैसा फंस भी गया है। तो आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम मंगल के मंत्र का जप करें, ओम
अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप जप करें। दूसरे नंबर पे हर मंगलवार को गुड़ का या लाल सेब का दान करें तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलों में सुधार होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं कौन है वो दर्शक, बताइए पंडित जी। जी और आज का अंतिम प्रश्न राहुल सुभाष ढोले जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 19 अक्टूबर 1990 का जन्म है, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग भोर में, जन्मस्थान है भंडारा महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि जब से विवाह हुआ है जीवन में कोई सुख शांति नहीं है और जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, इस संघर्ष को दूर कैसे करूं, परिवार में शांति कैसे आएगी। राहुल आपकी कुंडली के हिसाब से जो परिवार में अशांति की समस्या है और आपके जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है, ये नवंबर 2023 से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। नवंबर 2023 के बाद का समय आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। पंडित जी, जैसे हमने अलग अलग ग्रहों के बारे में बात की, लेकिन अगर किसी भी ग्रह की दशा खराब चल रही हो तो कोई एक ऐसा सामान्य उपाय जो किसी भी दशा को, किसी भी खराब दशा को ठीक कर दे? बिल्कुल, किसी भी ग्रह की खराब दशा हो, सूर्य की हो, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी भी ग्रह की खराब दशा चल रही हो, भगवान शिव की पूजा से आप उस खराब दशा के प्रभाव को निष्फल कर सकते हैं। अलग अलग विशेष उपाय क्या होंगे वो तो हमने आपको कार्यक्रम में बताया ही है, लेकिन अगर आप केवल एक सरल उपाय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही उपाय करें और बुरी दशाओं से छुटकारा मिलता जाए, तो उसके लिए आप कृपा करके भगवान शिव की पूजा करिए। नियमित रूप से सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करना आरंभ करिए। और अगर किसी और की खराब दशा के लिए उपाय करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, और अगर अपने लिए आपको ठीक करना है तो आप नमः शिवाय का जप करिए। दूसरा काम, या तो घर में ला करके एक शिवलिंग रख लीजिए, रोज उस पर जल चढ़ाइए, या एक लोटा जल घर से भर करके रोज शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो दशा कितनी भी निगेटिव, कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो, कितनी भी ज़्यादा मारक क्यों ना हो, अगर भगवान शिव की शरण में जाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी अशुभ दशा के प्रभाव को भंग कर पाएंगे। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 28 जून को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 28 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, धन को लेकर भी थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि अक्टूबर तक आप इंतजार करिए, अक्टूबर के महीने से धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत तक आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनके लिए जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ।
और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या गंगा से भी ज्यादा पवित्र कोई नदी है? बताइए पंडित जी। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गंगा को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। क्या गंगा से ज्यादा पवित्र नदी भी कोई है? कहा जाता है कि नर्मदा ने तपस्या से गंगा से भी ऊंचा स्थान पाने की कामना की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसकी ये याचना ठुकरा दी थी। बाद में भगवान शिव ने नर्मदा को उच्च पद प्रदान किया और ये माना जाता है कि नर्मदा का कण कण शंकर है। यानी जहां भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके पवित्र बनाया है, वहीं नर्मदा को आशीर्वाद देकर और नर्मदा में विद्यमान रहकर नर्मदा को भी उच्च पद भगवान शिव ने दिया है। 28 जून 2023 बुधवार का शुभ पहर कौन सा होगा, ये जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 जून 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। करियर संबंधी जो आपकी बाधाएं हैं, इन बाधाओं का निवारण होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 28 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। हो गया है प्रोग्राम में आपकी राशि के बारे में बात करने का। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, पंडित जी प्रोग्राम के अंत में किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं, तो जानते हैं पंडित जी किस राशि का चयन कर रहे हैं आज के लिए। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। धनु राशि के लोग ज्यादा कर्जों के चक्कर में नहीं पड़ते, फिर भी अगर आप कर्ज से थोड़ा बहुत भी परेशान हैं, तो रोज सवेरे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और हर शुक्रवार को बालिकाओं में, कन्याओं में सफेद मिठाई बांटें। अगर थोड़ा बहुत भी कर्ज है तो उससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और प्रोग्राम के अंतिम सेगमेंट में हम बात करते हैं महा उपाय की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक महा उपाय बना सकता है आपकी बिगड़ी। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, जी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सप्ताह में जब मंगलवार आता है तो मेरा झगड़ा हो जाता है, मुझे चोट लग जाती है, मेरे परिवार में अशांति हो जाती है, हर मंगलवार को ऐसा होता है। तो अगर हर मंगलवार को आपको अपने जीवन में समस्या हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद हनुमान जी को एक लाल फूल चढ़ाइएगा। ऐसा हर मंगलवार को करें और मंगलवार को मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो मंगल से संबंधित अगर कोई बाधा है, मंगलवार को अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी एन टी यानी गुड न्यूज़ टुडे।